वो मिलके इंटरफेयर कर रहे हैं इंडिया के मामलात में, वो कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि टर्की को भी आपने साथ लपेट लिया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के साथ अच्छे टर्म्स हैं टर्की के, इसलिए। पाकिस्तान के साथ किसी मुल्क के अच्छे टर्म्स नहीं है आरजू जी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टर्की के साथ आपके अच्छे टर्म्स कैसे हैं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, कोई पाकिस्तानी को बुला लीजिए जो बड़ा से बड़ा टेलीविजन एंकर हो, उसको बोल दीजिए कि आप तीन वजूहत लिखिए, तीन कोई तीन चीज ना कि साहब इसलिए हमारे टर्की के साथ अच्छे टर्म्स हैं, हम दोनों मुल्क मुसलमान हैं, इसके अलावा दूसरा पॉइंट किसी के पास नहीं है। देखिए अच्छे टर्म्स बनते हैं ट्रेड से। पिछले 5 साल से पाकिस्तान में एक मुहिम चलाई जा रही है कि पाकिस्तान के रूस के साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं। आपने भी सुनी होगी बात कि रूस हमारा भाई है। रूस कैसे भाई है मुझे आज तक कोई नहीं समझा पाया। मैंने सबसे पूछा कि मैंने बोला साहब आप बता दें कि रूस पाकिस्तान का कैसे भाई है, कि नहीं वो एक्चुअली फिर बात ये हो जाती कि क्योंकि चाइना के क्लोज है इसलिए हमारे क्लोज है ना। तो हम तो मेरे दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त ये वाला एंगल लगा के इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान का कोई ऐसा टच रशिया से नहीं रहा है। तो ऐसा टर्की क्लोज नहीं है पाकिस्तान के। टर्की ने इसराइल के साथ कर ली अपनी पूरी बातचीत, इसराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक वो कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान में इसका गुस्सा तो होना चाहिए। क्योंकि देखिए टर्की ने ना हमारे साथ जो करा वो तो हम टर्की को संभाल लेंगे, पाकिस्तान के साथ क्या करा? आप लोगों को एक टीवी सीरियल दिखाई, एक टीवी सीरियल दिखा दी आपको, क्या नाम था, अर्तुगरुल गाजी और जो भी था वो दिखा दी। अब बच्चे अर्तुगरुल गाजी की ड्रेस पहन के फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहे हैं, आपने चौक के बीच में अर्तुगरुल गाजी का आपने पुतला लगा दिया, स्टैचू बना दिया, हर जगह अर्तुगरुल गाजी अर्तुगरुल गाजी, सब कुछ हो गया। जब सब कुछ हो गया फिर टर्की ने क्या करा? टर्की ने अपनी ड्रोन की एक कंपनी इंडिया को बेच दी 30% या 40%, श्रीराम जो कंपनी है यहां पे उसको बेच दी, राइट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इसराइल के साथ जाके हाथ मिला लिया। देखिए हर एक मुल्क अपने मफाद के लिए काम करता है। जहां तक आपका सवाल था कि ISI और टर्किश इंटेलिजेंस जो मिल चुके हैं, ये टर्की इज द गेटवे टू सीरिया, जो भी जाता है ये वेल एस्टेब्लिश्ड है। और एक और बात है कि जो भी अभी कुछ लोग बच गए हैं 10-15-20 इंडियन कश्मीर के, जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, सबके सब टर्की में रहते हैं, टर्की में हैं, टर्किश पासपोर्ट उनके पास है। तो ऐसी बात नहीं है ना कि मतलब टर्की कश्मीर में आग लगाने की कोशिश करेगा या भारत में आग लगाने की कोशिश करेगा। भारत चाहे तो हम भी आग लगा सकते हैं, कुर्द रहते हैं ना वहां पे, कुर्द रहते हैं ना, वही सलाउद्दीन अयूबी वाले कुर्द वो रहते हैं। तो कितना वक्त लगेगा, पैसा हमारे पास, देखिए मैं आपको बताता हूं अर्जुन जी, दिस इज ऑल अ मनी गेम। इंडिया क्यों नहीं करता ये सब चीज? लोग कहते हैं इंडिया ने ये करा, इंडिया क्यों नहीं करता? क्योंकि इंडिया को यह पता है कि अगर हम ये गलत काम करते हैं, यानी कि टेररिज्म किसी मुल्क में फैलाना, मैं आपको इसकी वजह भी बता देता हूं, क्यों हर चीज के पीछे वजह होती है। बोलते कुलभूषण जाधव भेज दिया, ये भेज दिया, वो भेज दिया, ये सब जो बातें चलती हैं पाकिस्तानी मीडिया में। इंडिया ने जो डिप्लोमेटिक अपनी कमाई करी है, जो इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक कमाई करी है, और इतने साल दर साल इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक कमाई करी है, इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी से, इंडिया ने अपने ट्रेड से, इंडिया ने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी से जो कुछ कमाया है, आप समझ लीजिए क्या फायदा होगा। खुद सोचिए आप, नॉट एज अ पाकिस्तानी, नॉट मी एज एन इंडियन, एज अ ह्यूमन बींग, इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग जो दुनिया में, इंडिया अगर चलिए बलूचिस्तान में हथियार भेजता है, एक फर्ज कीजिए, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिनेरियो, आज भी तो कल भी तो परसों पता लगना है आपको कि भाई इंडिया ने करा है, इंडिया टर्की में कुछ करता है, कल नहीं तो परसों पता लगना है। तो जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, इंडिया का सॉफ्ट पावर है, इंडिया की जो इमेज है, हमें यह देखना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इज इट रियली वर्थ इट, क्या ये वर्थ इट है? बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। तो सिर्फ टर्की को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि देखो भैया ऐसा है कि कल हम तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं, हम कर नहीं रहे, इसका मतलब ये मत सोचो कि हम कर नहीं सकते, इट्स अ फंक्शन ऑफ मनी। एंड में कौन कितना बड़ा चेक काट सकता है? वो ठीक है, चाइना हमसे बड़ा चेक काट सकता है, चाइना यहाँ पे फसाद करवा सकता है, हम टर्की से बड़ा चेक काट सकते हैं, हम टर्की में फसाद कर सकते हैं, वो तो चेकबुक के साइज की बात है। बिल्कुल, खैर वो पैसे की तो बहुत ज्यादा बात होती है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, अगर हम इमरान खान की बात करें कि इमरान खान के ऊपर जिस तरह से केस चला, और आज तो खैर वो अदालत भी गए हैं, टेररिज्म कोर्ट के अंदर जाना पड़ा उन्हें, तो कैसे देखते हैं आपके एक प्राइम मिनिस्टर जो रह चुका है उसके ऊपर जो है टेररिज्म कोर्ट में केस चला, और साथ साथ एक दो वेबसाइट्स और मेंशन की हैं
जो जिन्हें कहा जा रहा है कि ये इंडियन है और इंडियन उन्हें ऑपरेट कर रहे हैं और वो इमरान खान के हक में ट्वीट्स लगा रहे हैं। नहीं, मैं तो खुल के बोल चुका हूं, मैं मजाक थोड़ा ना कर रहा था जब मैं बोल रहा था। मैंने आपकी शो में बोला है, मैंने चीमा साहब की शो में बोला है, मैंने मुबशर रुकमान साहब की शो में बोला है, मैं जितने भी पाकिस्तानी मेरे दोस्त हैं मैंने सबकी शो में यही एक ही बात बोली। यार तुझे इमरान खान देखिए एंड में कर तो हिंदुस्तान का काम रहा है ना। अब देखिए मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि कम से कम पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं वो समझ जाएं। हिंदुस्तानी तो यहां पर बेचारे समझे पैदा हुए थे, वो पहले ही समझ जाते हैं सब कुछ बहुत तेज। यहाँ पे जो हमारे दर्शक हैं, आपके दर्शक हैं, ठीक है वो तो बड़े दे आर दिस थिंग, बट मैं बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा पाकिस्तानी टेंड टू बी स्लाइटली इमोशनल, थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं कभी कभी। ऐसा है कि पिछली बार पाकिस्तानी फौज को इतना झटका 1971 में लगा था, ठीक है। रावलपिंडी के बीच में चौकीदार चोर है, वो भी लाल हवेली के नीचे, और बालकनी में कौन खड़ा है? आपका फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद। हाँ, आपका फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर खड़ा है, शेख रशीद साहब के सामने बोल रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये किस तरीके से मुमकिन है कि एक शख्स आता है और पाकिस्तान के हर एक इदारे को बारूद सोड़ा देता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? ऐसा तो कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। आपके जब मार्शल लॉ डिक्टेटर थे तब नहीं हुआ? हुआ ऐसा? नहीं हुआ। देखिए बात यह है ना कि जो लोग कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि इंडिया का ही वो एजेंडा चला रहा है, हो सकता है वो अमेरिका का भी एजेंडा चला रहा हो सकता है इसराइल का एजेंडा चला रहा हो, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को लोगों की आंखों में अच्छा करने के लिए अमेरिका को रोज गाली दे, भारत को रोज गाली दे, और बीच में भारत की तारीफ भी कर देता है जयशंकर साहब की वीडियो की। तो देखिए मैं ये आदमी मुंह से क्या कह रहा है आप उस पर कभी विश्वास ना करें, भरोसा ना करें। वो काम क्या कर रहा है, उसके कर्म क्या है, उसकी कारकर्दगी क्या है? इमरान खान की कारकर्दगी देखिए मैं बताता हूं आपको। पाकिस्तान में तो खैर ज्यादातर पॉलिटिशियन ऐसे ही हैं, लेकिन इमरान इतना आगे किस तरीके से चला गया और क्यों चला गया? ये कहता है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इंपोर्टेड हुकूमत तो डे वन से रही है पाकिस्तान में, जब से सिएटो सेंटो से आपने हाथ मिलाया है तब से तो इंपोर्टेड ही रही है। अमेरिका बहादुर के आशीर्वाद के बिना, और ये आई थिंक बहुत बड़े पाकिस्तानी ने बोला था कि बड़े कदावर शख्स ने, मैं नाम भूल गया, कि विदाउट अमेरिकाज ब्लेसिंग्स कोई पाकिस्तान की आर्मी का चीफ नहीं बनता। तो बिल्कुल मेरा ये कहने का मतलब है अर्जुन जी कि इमरान खान ने, देखिए इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा दी, उनकी बात नहीं मानी। अभी वो कौन सी थी, वो चौधरी करके साहिबा थी जो, उनको धमकी दे दी कि देख लूंगा, ठीक है, उसने पुलिस की धज्जियां उड़ा दी, आईजी को बोला मैं तुम्हें देख लूंगा, फौज को बाजवा गद्दार के उन्होंने वो चला दिया। उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिली ये कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी के अंदर रिवोल्ट करवाने की कोशिश कि भाई तुम यू नो यू 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 डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ योर सीनियर्स, दैट इज अ म्यूटिनी। फौज में इसको म्यूटिनी कहते हैं, ये इसकी ये जो शहबाज गिल कह रहा है ना करने के लिए, इसकी फौज में सजाए मौत है, गोली मार दी जाती है फौज में। कल अगर भारत अटैक करेगा पाकिस्तान को तो ये किस चीज की तैयारी कर रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। कल इंडिया ने अटैक करा, ये लड़ाई हो गई, इंडिया ने हमला बोला, पाकिस्तान ने हमला बोला, तो ये तो बोल देंगे इनके तो फैन पाकिस्तानी आर्मी भी नहीं, ये लड़ाई गलत है मत लड़ो। वो सिपाही हथियार कौन लड़ेगा? आपके जनरल थोड़ा जाएंगे अपनी पिस्टल लेकर लड़ने के लिए, लड़ना सिपाही ने, सिपाही नहीं लड़ेगा। ये सिपाही को बोल रहे हैं तुम ऐसे काम मत करो, ठीक है। तो हमने अदलिया की बात कर ली, आपके कोर्ट्स की बात कर ली, हमने बात कर ली अर्जुन जी आपके फौज की, हमने बात कर ली आपकी सुप्रीम कोर्ट की। डिप्लोमेसी में इसने अमेरिका से अपने आप को अलग कर दिया, यूरोप का कोई टूर नहीं करा, अमेरिका ने बुलाया नहीं, तो फोन वोन नहीं आया। तो बेसिकली इमरान खान ने अपने रेजीम के दौरान जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और अब जब वो की ऑपोजिशन में हैं, उन्होंने कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट नहीं छोड़ा जिसकी इमरान खान ने धज्जियां उड़ाई। तो क्यों ना इंडियंस उसको सपोर्ट करें, आप ये बता दीजिए कि आप ये वजूहत है जिसकी वजह से आप सपोर्ट ना करें, ये एक वजह है जिसकी वजह से वो करेंगे, वो तो स्टार है यहाँ पर बहुत बड़ा इंडिया में। लेकिन मेजर साहब आखिर इमरान खान ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आपके ख्याल से, क्योंकि जाहिर है कि इनको तो लाई भी फौज है, एस्टेब्लिशमेंट ने इनकी पार्टी बनवाई है, सब लोग जानते हैं कि जितने भी साल इन्होंने लगाए पॉलिटिक्स में कि किस तरह से आए, कौन लाया, सबको नाम तक पता है उन जनरल्स के, तो फिर ऐसा क्यों? देखिए मैं बताता हूँ आपको, ऐसा होता है कि ये पाकिस्तान में इसका भी इतिहास है,
पाकिस्तान में जो भी सियासतदान प्रधानमंत्री बनता है आपका, वो अपने आप को खुदा समझता है और वो भूल जाता है कि असली में खुदा कौन है। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा बताता हूं क्योंकि आपका सवाल आपने वैसे ही पूछा है। यही प्रॉब्लम जुल्फिकार अली भुट्टो की थी। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जनरल अयूब खान लेकर आए, जनरल अयूब खान को डैडी बोलते थे, वो इतने क्लोज थे कि वो अपना बाप मानते थे, जनरल अयूब खान को उनको डैडी बोलते थे। जनरल अयूब खान को वो उनको लेकर आए, जुल्फिकार अली भुट्टो को, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया उन्होंने, और वही ज़ियाउल्लाह के खिलाफ हो गए, राइट? फिर ज़ियाउल्लाह ने उनको फांसी दिलवा दी, यू नो द स्टोरी। ना वो ज़ियाउल्लाह से भिड़ते ना ये सब काम होता। नवाज शरीफ को कौन लेकर आ गया? नवाज शरीफ को ज़ियाउल्लाह लेकर आया। नवाज शरीफ को पॉलिटिक्स में ज़ियाउल्लाह लेकर आया, शरीफ खानदान को। जब ज़ियाउल्लाह उनको पॉलिटिक्स में लेकर आया, ये बढ़ गए परवेज मुशर्रफ से, इनको लेकर आए बाजवा, ये बाजवा से बढ़ गए। ये सारे के सारे जितने भी प्रधानमंत्री बनते हैं आपके यहाँ पाकिस्तान में, इनको अपने बारे में गलतफहमी हो जाती है कि मैं खुदा हूं, फिर जो इनको लेकर आए उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इमरान कर रहा है, लेकिन सर इमरान खान की यहाँ पे थोड़ी सी एक बात डिफरेंट ये है कि किसी को फांसी लगा दिया, किसी को मुल्क से निकाल दिया, इनकी सुनते जा रहे हैं और इस लेवल तक जाकर कोई भी प्राइम मिनिस्टर पिछला, जैसे कह लिया आप जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने इस लेवल पे जाकर बात नहीं की जो इमरान खान कर रहे हैं, और तब भी सुना जा रहा है, तब भी छोड़ा जा रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूं अर्जुन जी, कि इमरान खान ने एक काम तो कर दिया है बहुत बड़ा, आपकी फौज को डिवाइड कर दी। ये इनको इनको फांसी पे लगाना, मुल्क से निकालना कौन करता? फौज करती थी ना, फौज करती थी ना, उसने फौज को ही सेट कर दिया। इमरान खान ने फौज को तकसीम कर दिया, जो आपके वेटरन्स हैं पाकिस्तानी आर्मी के वेटरन्स, जिनका बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस है कंपनीज में, स्टॉक मार्केट में, फौजी फाउंडेशन में, उनका उनका बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस है आरजू जी। इवन जो उनके जूनियर्स हैं, जो अभी इस वक्त जनरल्स हैं, उनके ऊपर होता है इन्फ्लुएंस। तो बात यह है कि ऑल दीज पीपल ना, इनके इनको तकसीम कर दिया। ये लोग इस्लामाबाद प्रेस क्लब पहुंच गए थे झंडे झुंडे लेके, आपको पता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये उसने एक फौज, हर सब फौज की ताकत क्या है, इंटरनल अगर मैं बोलूं, पाकिस्तानी आर्मी की ताकत क्या है? पाकिस्तानी आर्मी की ताकत ये है कि वो एक मुट्ठी के जैसी थी, राइट? इट वॉज लाइक दिस, बिल्कुल। आर्मी चीफ से लेकर जो सिपाही था, जो जवान था, वो पुराने जो रिटायर हो गए थे, वो सब कुछ ऐसे थे, एक जबान में बोलते थे। अब उनकी जबान ऐसी हो गई, अब वो दो जबानों में बोलते हैं, वो क्या कर लेंगे इसका? इसको पालना उनकी मजबूरी है, क्योंकि इमरान खान ने पेड़ की जड़ काट दी, उसने पेड़ की जड़ पर वार कर दिया। उसको नहीं फर्क पड़ता कि पाकिस्तान आर्मी रहे ना रहे, उसको कोई फर्क, उसको ये है कि मैं दोबारा वजीर आजम बन जाऊं और उसके लिए मुल्क को कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कोई भी कीमत। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका इंडिया वेब न्यूज में, आपके साथ मैं निधि शर्मा। दोस्तों पूरी दुनिया से दोस्ती की भीख मांगने वाले पाकिस्तान बेचारा अब अकेला हो गया है। आपने सुना ही होगा कि पाकिस्तान तुर्की और अपनी दोस्ती को लेकर बहुत बड़ी बड़ी जींगे हाँकता था, अब वही दोस्त बेचारे पाकिस्तान को बीच मझधार में छोड़कर चला गया है। आखिर पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना उसके लिए भी मनुष्यत ही रहा। जब ये दोनों साथ आए तो दोनों ने जो सपने देखे थे अब वो गंदे नाले में बह गए हैं। अपने आप को ये इस्लाम का बादशाह बनाने की तैयारी में जुट गए थे और अब बेचारे बादशाह तो छोड़ो कहीं बैठने लायक नहीं रहे। ये चौड़े होकर जो इस्लाम को लेकर भाषण देते थे, और तुर्की ने तो एक सीरियल बनाया था अर्दवान, उसमें दुनिया को ये इस्लाम समझाता था। अब तुर्की इजराइल के साथ खड़ा हो गया है, यानी तुर्की अब इजराइल के साथ आ गया है, तो बेचारा पाकिस्तान भी चौड़े में मुंह देख रहा है। अब इसराइल के बारे में आपको बताते हैं कि वो कौन है। इसराइल वो ही कंट्री है जो फिलिस्तीनी के ऊपर अटैक करता रहता है। 12 नवंबर 2019 को फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी PIZ के सुप्रीम कमांडर बहा अबू अल अता को इसराइल ने मार गिराया था। इसके बाद PIZ के टॉप कमांडर तायसीर अल जवाई ने इसराइल को हमले की धमकी दे दी थी। तभी से अल जवारी दुनिया की सबसे खतरनाक इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद के निशाने पर था। फिर उसको भी इजरायली सेना ने तायसीर अल जवारी और दूसरे टॉप कमांडर खालिद मंसूर को मार गिराया था।
अपने दुश्मनों को उसी के घर में मारने के मामले में इसराइल का कोई तोड़ है ही नहीं। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज़।